के लिए चार अक्षर से हम लोग शब्द बनाएंगे। तो चलिए क, तो आप इनके पास है, इधर दिखाइए। हाँ चलिए, ये चलिए यहाँ पर म देख लीजिए, प और म दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कम है ना। चलिए ल, ला किनके पास है, वेरी गुड। चलिए क म ल, कमल, कमल है, देखिए कैसे कमल बनता है, दिखाइए। आइए कमल किनके पास लिखा हुआ है, चलिए देखिए ये क म और ल तीनों को अगर मिला दिए तो बन गया कमल, बहुत अच्छा। चलिए अपनी जगह पर जाइए। चलिए आगे चा, चलिए क, क किसके पास है, चलिए क, व देखिए च और क, चक क्या हो गया, चक हो गया। चलिए दो शब्द बन गया, आप जाइए, आप चले जाइए। चलिए म, म आइए, देखिए च म आ गया और ना, ना किधर है, देखिए दो बना च और म से चम बन गया और तीन अक्षर को मिला दिए तो च म न क्या बन गया, चमन बन गया, बना नहीं, बहुत अच्छा। चलिए आइए प, प किनके पास है, वेरी गुड। क, प किनके पास है, वाह, प क, अड़ा किनके पास है, अरे वाह, देखिए प और क से हो गया पक, दो अक्षर का बना शब्द पक हो गया और प, क, अड़ा तीन अक्षर से मिलकर बन गया पकड़, पकड़ कैसे बनेगा, चलिए पकड़ आइए, पकड़ आइए, वाह वेरी गुड, पकड़ा तीनों को मिला दिए तो क्या बन गया, पकड़ बन गया, बहुत अच्छा। चलिए अपनी जगह पर जाइए। चलिए न आइए, न किनके पास, अरे वाह न आपके पास है, म किनके पास है, म आइए, वेरी गुड, न और म से बन गया नम और तीन अक्षर का बनाएंगे तो नाम म क, क किनके पास है, क, अरे वाह इधर आप आ जाइए, वाह वेरी गुड, ना म क क्या बना, नमक, नमक कैसे लिखेंगे, चलिए नमक इधर आ जाइए, ये तीनों का अक्षर का ये नमक आइए, चलिए नमक देख लीजिए, ना म का तीनों को मिला दिए तो क्या बन गया, ना म का नमक बन गया, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए य आइए, या किनके पास है, वेरी गुड, माँ, माँ के, अरे वाह माँ आपके पास, तो य और माँ अम हो गया, लेकिन इसमें अगर आम, आम आप लोग खाते हैं ना, तो बोलो आम, आकार देंगे तो उसमें हो जाएगा आम है नहीं, लेकिन इसमें आकार का नहीं है इसलिए या माँ और र, चलिए र आइए, अरे वाह या मारा तीनों को मिला देंगे तो बन जाएंगे अमर, चलिए अमर आ जाइए, वेरी गुड, देखिए कैसे बना से या मारा तीनों को मिला दिया तो बन गया अमर बन गया, बहुत अच्छा। चलिए अपने जगह पर आप जाइए। प्यारे बच्चों इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, दो वर्ण को मिला देंगे और एक शब्द बनेंगे, तीन वर्ण को मिला देंगे और एक शब्द बनेंगे और चार वर्ण को मिला देंगे तो एक शब्द बन जाएगा। इस तरह से हम लोग शब्द बनाने के लिए बिना मात्रा का हम लोग जान लेंगे, जानेंगे कि नहीं, तो क्या होनी चाहिए, एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए।